नमस्कार, मैं मुकेश बाकर जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल जो समाकलन है उसमें अपना टॉपिक रहेगा गामा फलन। जो एक अपनी लास्ट क्लास थी डबल इंटीग्रल में, उसमें हमने जो गामा फंक्शन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, लेकिन जो गामा फलन है उनका अपने बुक में एक पूरी एक्सरसाइज है, एक टॉपिक है। तो आज हमें उस गामा फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। गामा फलन के लिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था पहले कि जब इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2 हो और साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन एक्स डीएक्स है, तो उसके लिए फलन था अपने गामा एम प्लस वन अपॉन टू गामा एन प्लस वन अपॉन टू अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू, जो कि ये वाला सूत्र है। ये कब लागू होता है? जब आपके पास में जो सम धन पूर्णांक है यदि है, तो उस टाइम आपको के बराबर पाई बाई टू इसके गुणा में लगाना है। यहाँ पे जैसे कि आप ये उस स्थिति में आपको ये सूत्र लगाना है और डॉट लगा दिया के। अदरवाइज यदि आपके पास में इस तरह का फॉर्मूला दिया गया है और आपके पास में जो व्यंजक जो जो हमें चाहिए वो मान पड़े हैं, तो डायरेक्टली इस सूत्र में मान रखने हैं और इस क्वेश्चन को हल करना है। क्लियर है? दोनों सूत्र है आपको। पहली बात, क्वेश्चन सोल्व करने से पूर्व आपको दोनों सूत्र, दोनों क्या एक ही सूत्र है वैसे तो, लेकिन दोनों पता होने चाहिए। दोनों का यूज कब कब होता है, किस तरह से इनका यूज करना है और किस तरह से अपने को जो ये लिमिट्स है वो किस तरह की आए, तो हमें ये सूत्र लगाना है। क्लियर है भाई इतनी बात? तो बात करते हैं हम कुछ गामा की। जैसे कि मैंने लिखा, अभी मैं कहूं कि गामा फोर इसका होता है, सॉरी गामा फोर तो इसका होता है, ये क्या है, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल थ्री। यानी कि इसमें आप ये भी देख सकते हो कई जगह आपके इस तरह का भी लिखा होता है, तो ये 3 × 2 × 1, ठीक है। उसी तरह से यदि आपके पास में जैसे कि 5/2 दे दिया, उसका भाई गामा फलन का ज्ञात करो, तो इसमें भी क्या करना है आपको, -1 करना है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 3/2 डॉट फिर -1 / 1/2, और फिर ये जो होता है ना 1/2 गामा, इसका मान होता है √1/2, ठीक है, सॉरी हाँ। तो ये इस स्थिति में आ जाए ना, तो उसका मान होता है √π। गामा 1/2 है, उसका मान होता है √π, ठीक है। इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, और बाकी के है जो आपके पास मैंने अभी बता दिया कि अब गामा जैसे कि 8 आ गया तो फैक्टोरियल 7 है। अब जो भी हो इनमें से एक एक कम करते रहना और वही होता है इसका फलन, जो गामा फलन है उसको इसी तरह से आपको हल करना है। यहाँ पे मैंने कोई संख्या दे दी, और वैसे सूत्र की बात करें तो यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं एन का गामा, गामा एन इक्वल टू अपने n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो इसी तरह से अब हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। अब आपके पास में इस तरह की स्थितियां काफी सारी मिलेगी क्वेश्चनों में, तो उनमें भी आपको यही लगाना है कि जो अपने पास में गामा आया हुआ है उसका मान किस तरह से निकाला जाता है। गामा यहाँ पे इसका ध्यान रखना √π होता है। अब हमारे पास में क्वेश्चन आया है, मान ज्ञात कीजिए कोस की पावर 4x dx 0 से π/2, है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें क्या करना आपको कि हमें उस सूत्र के अकॉर्डिंग मान चाहिए। तो मैं ये लिख सकता हूं ना यहां पे कि साइन की पावर 0x, हमें ये वाला सूत्र चाहिए, ये वाला सूत्र चाहिए ना, देखो ये वाला, ये तो गामा एम प्लस वन ये वाला ही तो है, 0 से π/2 साइन की पावर एम एक्स कोस की पावर एन एक्स डीएक्स m+1/2 गामा n+1/2 टू गामा m+n+2
टू अपॉन टू, यही है। तो अब इसी में मान रखेंगे, यहां पे मान क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाय टू डॉट कॉस की पावर फोर एक्स डीएक्स। सूत्र लिखें तो सूत्र लिखना चाहो तो सूत्र लिख दो, सूत्र नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्टली है मान रख देते हैं, ठीक है। तो सूत्र क्या था भाई, ये वाला m प्लस वन, तो m का मान यहां पे क्या है जीरो प्लस वन अपॉन टू डॉट, यहां पे क्या था n प्लस वन, n प्लस वन यहां पे क्या है फोर प्लस वन अपॉन टू अपॉन टू गामा, क्या था जीरो प्लस फोर प्लस टू, और m प्लस n प्लस टू यही तो था। यहां पे देखो m प्लस n प्लस टू ये हो गया n प्लस वन, m प्लस वन अपॉन टू ये हो गया n प्लस वन अपॉन टू। बस सूत्र का आपको ध्यान रखना है, अपॉन ये हो जाएगा आपके टू। तो यहां पे आप देखो जीरो प्लस वन तो ये कितना हो जाएगा गामा एक बटा दो डॉट, ये हो जाएगा आपके गामा पांच बटा दो, ये हो गया दो डॉट पांच, ये हो जाएंगे छह बटा दो, छह बटा दो कितने हो गए तीन, तो गामा थ्री। अब है मैंने आपको बताया था इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है पाई, ये कितना हो जाएगा तीन बटा दो डॉट, ये रूट पाई होगा और ये भी हो गया रूट पाई। अरे कैसे हुआ, पांच बटा दो है गामा, तो पांच बटा दो गामा में से एक माइनस किया तो ये हो जाएगा तीन बटा दो, और तीन बटा दो डॉट फिर हो जाएगा गामा एक बटा दो, तो गामा एक बटा दो का मान कितना होता है रूट पाई, तो मैंने यहां पे लिख दिया रूट पाई अपॉन, ये हो जाएगा आपके टू डॉट, यहां पे हो जाएगा रूट सॉरी गामा थ्री है, तो गामा थ्री का मान कितना होता है फैक्टोरियल दो, तो ये हो जाएगा दो। अब पाई को पाई से रूट पाई से रूट पाई गुणा की हुआ तो कितना हो गया ये पाई, और ये हो जाएगा थ्री अपॉन एट, या इसके आंसर यानी कि तीन बटा दो है, तो ये जो बटा में दो है वो आ जाएंगे नीचे, नीचे आ जाएंगे तो दो दूनी चार, और चार को फिर से दो से गुणा किया तो ये हो गया आपके आठ। क्लियर इतना, यहां पे इस सूत्र का योगदान बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, इस सूत्र को मत भूल जाना। यदि यह सूत्र आपको नहीं पता है तो गामा फलन का मान निकालना बहुत ही ज्यादा असंभव की स्थिति में ही मान सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल इजी सा सूत्र है, एम प्लस वन गामा अपॉन टू डॉट एन प्लस वन अपॉन टू गामा अपॉन टू गामा एम प्लस एन प्लस टू अपॉन टू, यही तो फॉर्मूला है। अब देखो आगे वाले क्वेश्चन पे, अब देखो इस तरह का आ गया, मान ज्ञात कीजिए जिसमें रूट जीरो से एक मान दिया हुआ है एक्स की पावर फोर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डीएक्स के सापेक्ष, यानी कि एक्स के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, तो आप इसमें कॉमन सेंस लगाओ कि क्या इसमें वो वाली पहले वाले उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिमिट्स या फिर जो मान है वो हमें दिए हुए हैं क्या, साइन या कोस के पदों में मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ ने। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, और चेंज कैसे कर सकते हैं, हमारे पास में यहाँ पे एक चर दिखाई दे रहा है और उस चर की जगह हम कोई सा भी एक मान मान सकते हैं, यदि हम वो मान मान लें तो क्या पता उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास में लिमिट्स और जो मान है वो प्राप्त हो जाए। तो करते हैं स्टार्ट, यहां पे मैं मानता हूं एक्स बराबर ए साइन थीटा, ये मान लियो ए बराबर एक्स बराबर हो गया ए साइन थीटा। अब आप जानते हो कि यदि एक्स बराबर हम कुछ मान मानते हैं तो उसका समाकलन भी हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि कोई भी मान होता है वो उसकी जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं उसी के सापेक्ष उसका मान होता है। यहां पे देखो आप कि एक्स के पदों में यहां पे हमारे पास में क्वेश्चन पड़ा है, तो जो समाकलन है समाकलन भी एक्स के पदों में ही किया हुआ है, तो हमें
जब यहां पे थीटा के पदों में हम इसको बदल रहे हैं तो हमें जो समाकलन है वो भी थीटा के सापेक्ष करना पड़ेगा, और थीटा के सापेक्ष करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स का समाकलन करेंगे, तो एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, अवकलन कर देंगे तो ये dx हो जाएगा और ये हो गया आपके a cos थीटा। क्लियर है? अब देखो यहां पे लिमिट्स की बात करें, x बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से थीटा बराबर मान निकालो, देखो x बराबर 0 रखा तो इसको उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर भी 0। जब x बराबर हम मान रखेंगे a, x बराबर मान क्या रखा a, तो थीटा बराबर क्या होगा भाई, थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई टू। पाई बाई टू कैसे हुआ, यहां पे देखो आप, यहां पे मान क्या रखूंगा a, मैंने इस एक उधर भेजा तो a से a कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक, और इधर जाने पर साइन क्या हो चले जाएगा इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक, जो एक है उसका मान क्या होता है साइन पाई बाई टू, तो साइन एक को मैं क्या लिखूंगा साइन पाई बाई टू, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और पाई बाई टू बच जाएगा, तो थीटा का मान कितना प्राप्त हुआ पाई बाई टू। तो अब है मैं इसको ये लिख सकता हूं पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो पहले वाली लिमिट्स थी उसको मैंने चेंज कर दिया है। अरे पहले वाले हमने काफी सारे क्वेश्चन किए थे जिसमें आप ट्रिपल इंटीग्रल देख लो चाहे डबल इंटीग्रल देख लो, जिसमें हमने बस ये थोड़ा बहुत चेंजिंग ये किया था कि हमने किसी एक पृष्ठ के सापेक्ष या फिर कोई परवलय या फिर कोई दीर्घवृत्त दिया हुआ था उसके अनुसार हमने उसकी लिमिट्स का मान चेंज किया था, क्या था ने, बस उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे है इनकी लिमिट्स का मान चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स का मान हम यहाँ पे कुछ मानेंगे तो जो लिमिट्स है वो भी बदल जाती है, और लिमिट के साथ साथ में जिसके सापेक्ष हम समाकलन कर रहे हैं वो भी बदल जाता है, और मैंने यहाँ पे बदला यानी कैसे परिवर्तित कर दिया, कैसे कि dx था और dx है उसका समाकलन हो गया a cos थीटा। क्लियर है भाई इतना? अब इतना क्लियर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, जीरो से पाई बाय टू लिख दूंगा एक तो मैं, क्योंकि अब जो हमारे पास में नई लिमिट है वो क्या है थीटा के सापेक्ष, और थीटा के सापेक्ष क्या है जीरो से पाई बाई टू, तो ये जीरो से पाई बाई टू हो गया। अब एक्स की पावर फोर, एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं ए साइन थीटा, ए साइन थीटा की पावर फोर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर डॉट डीएक्स की जगह क्या आएगा ए कोस थीटा, ए कोस थीटा लिख दिया मैंने। क्लियर है इतना? तो आगे जीरो से पाई बाई टू ये क्या हो जाएगा ए की पावर फोर साइन की पावर फोर थीटा, ये हो जाएगा आपके ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट ए कोस थीटा एंड डी थीटा, डी थीटा भी तो आएगा ना, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो थीटा भी आएगा। फिर आगे देखो जीरो से पाई बाई टू ए की पावर फोर साइन की पावर फोर थीटा, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा भाई ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आएगा तो इसको रूट से बाहर ले लूं मैं, तो रूट से बाहर लूंगा तो ए स्क्वायर है क्या बच जाएगा ए बच जाएगा, तो ए मैंने यहां से बाहर ले लिया, यहां पे क्या बच गए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉट ए कोस थीटा डी थीटा। अब है ये है आपके जीरो से पाई बाई टू ए की पावर फोर साइन की पावर फोर थीटा, और ए है तो ए को यहां पे भी आप लिखना चाहो तो इसकी पावर पांच कर दियो, ए की पावर पांच क्या छह कर दें ये ए और हो जाएगा, तो इसकी पावर कितनी होगी ए की पावर सिक्स साइन की पावर फोर थीटा, और ये है रूट में वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, और यहां पे रूट है तो ये क्या बच जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा मैंने इसको लिख दिया डॉट यहां पे क्या है कोस थीटा डी थीटा। अभी कोई ऐसे मत बोल देना कि भाई ए कहां गया, ए मैंने यहां पे लिख दिया है, ए की पावर फोर था ये हो गया फाइव और ये हो गया आपके सिक्स। ठीक है, ये है जीरो से पाई बाई टू ए की पावर सिक्स, तो ए की पावर सिक्स ये हो जाएगा साइन की पावर फोर थीटा डॉट
कॉस थीटा एंड कॉस थीटा दोनों गुणा होंगे तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, हम जो समाकलन कर रहे हैं वो किसके सापेक्ष कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, और ये होगी जीरो से पाई बाई टू। तो ये है जीरो से पाई बाई टू एक ए की पावर सिक्स साइन की पावर फोर। अब मैं इसमें देखो ए की पावर जो सिक्स है उसको बाहर ले लूं तो ए की पावर सिक्स बाहर आ गया, जीरो से पाई बाई टू हो जाएगा, ये हो गया साइन की पावर फोर थीटा डॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्या हमारे पास में वो पिछले वाला सूत्र प्राप्त हो गया, अब पढ़ा है ने? है जैसे जैसे लग रहा है ने कि जीरो से पाई बाई टू है, साइन की पावर फोर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा है, तो उसमें मान रख दे तो ए की पावर सिक्स है उसको बाहर रहने दो, ये क्या हो जाएगा एम बराबर यहां पे क्या है फोर है, एन बराबर यहां पे क्या है टू। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, फोर प्लस वन अपॉन टू गामा डॉट गामा एन, एन का मान क्या है टू प्लस वन अपॉन टू अपॉन यहां पे क्या आएगा टू गामा एम प्लस एन, तो एम प्लस एन क्या है फोर प्लस टू प्लस टू अपॉन टू, यही होगा। अरे लास्ट क्वेश्चन में किया था ना हमने, प्लस में क्या था ये मान, अरे एक बार देख लियो इसको कहां गया, चेंज हो गया क्या, हाँ तो इसमें देखो आप ये इस तरह से किया था ना प्लस टू अपॉन टू, बस उसी तरह से मैंने किया है सेम टू सेम, देख लो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, बस ये ए की पावर सिक्स था वो कॉन्स्टेंट मानता तो मैंने उसको बाहर ले लिया। आप देखो ए की पावर सिक्स हो जाएगा ये हो गया कितना फाइव अपॉन टू डॉट, ये हो जाएगा थ्री अपॉन टू अपॉन टू, ये हो जाएगा आपके चार और दो छह, छह और दो आठ हो गए आठ बटा दो, तो कितने हो गए जाएंगे चार, देखो ए की पावर सिक्स बच गया। अब इसमें देखो रूट ये गामा पांच बटा दो है, इसमें से हम क्या करेंगे एक माइनस करेंगे, तो एक माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा तीन बटा दो बचेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके तीन बटा दो डॉट कितना हो जाएगा ये गामा एक बटा दो, तो ये हो जाएगा आपके एक बटा दो डॉट रूट पाई और फिर इसमें एक बटा दो डॉट रूट पाई डॉट एक बटा दो रूट पाई और ये हो जाएगा रूट पाई अपॉन टू इंटू ये हो जाएगा थ्री इंटू टू। ठीक है, तो ये मान कितना हो गया ए की पावर सिक्स और ये हो जाएगा थ्री पाई अपॉन तीन दूनी छः छः दूनी बारह बारह इंटू टू ये हो जाएगा टोटली एट। अब इससे ये आप काट दो तो ये कितनी बार चला जाएगा चार बार कट गया, तो पाई ए की पावर सिक्स ये हो गए बत्तीस, इस तरह से करना तो पाई ए की पावर सिक्स बत्तीस इसके आंसर आ गए, तो पूरा क्लियर हो गया। इसमें यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये जो मान है ना हम रूट पांच बटा दो का मान निकालते हैं, तो पांच बटा दो का इसमें कितना हो जाएगा एक तो पहले माइनस करूंगा तीन बटा दो आ जाएगा, फिर एक बटा दो कर, फिर है इसमें जो ये गामा एक बटा दो है उसका मान होता है रूट पाई है ना, तो इससे इसका विशेष ध्यान रखना, इस तरह से आपको फिर इसका निकालना है तो इसका एक बटा दो डॉट रूट पाई हो जाएगा। क्लियर है भाई इतनी बात, तो इस तरह से है आपको गामा फलन है उनके मान निकालने हैं और प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्मगलिंग ऑफ जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर फोर एक्स डीएक्स। तो इस क्वेश्चन को जो अपने पास में फॉर्मूला था जिसमें लिखा हुआ था एम माइनस वन ब्रैकेट एन एम माइनस थ्री, फिर था एन माइनस वन एन माइनस थ्री अपॉन एम प्लस एन ब्रैकेट एम प्लस एन माइनस टू और फिर डोडो डॉट डॉट के लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, हमने सूत्र पढ़ा था ना देखो ये वाला,
हाँ तो अब देखो उस सूत्र में मान रखें, मान कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पे है m बराबर क्या मान है 2, n बराबर है 4, यानी कि जो सम घन पूर्णांक है उसके लिए हम उस सूत्र का यूज करेंगे। तो उस सूत्र में मान रखेंगे, मान कैसे, ये मैंने लिखा 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो गया, और m का मान 2 है तो 2 माइनस 1 m-1 हो गया। ठीक उसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, 4-1 एंड 4-3 अपॉन m+n, तो m+n का मान क्या है 2 और 1 है 4, तो 2+4। सेकंड वाले में यहाँ पे क्या था सूत्र, m+n-2 था ना, तो m+n 2+4-2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, k का मान क्या है यहाँ पे 5/2 है, तो क्या आ जाएगा 5/2। ठीक है अब इस सॉल्व करें, तो हल में यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 2 में से गया 1, 4 में से 1 3, 4 में से 1 3 गए तो 1 अपॉन 2+4 कितने हो गए 6 डॉट यहाँ पे 4, और यहाँ पे आगे कितना बचेगा, अरे इसमें यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जैसे कि 2+4-2 है, तो ये कितने हो गए 6, 6-2 हो गए ने, तो 6-2 हो गए यहाँ पे। ठीक है 6-2 कितने हुए 4। अब फिर उनमें से और कम करने हैं, तो यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, माइनस से माइनस 2 और होंगे, यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है और आगे कम करते रहो, तो यहाँ पे कितने प्राप्त बच जाएंगे 2 बचेंगे, डॉट 5/2। इसका विशेष ध्यान रखना, ऐसा नहीं है यहाँ, यहाँ पे देखो जब तक यहाँ पे 1 आ गया तो हम लोग यहीं पे रुक गए। ठीक है तो इसमें यहाँ पे डॉट 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 का मतलब यही है कि इसको थोड़ा सा आगे और हल करो, क्लियर है बात। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ तक करते हो ना तो इसमें आंसर थोड़े से अलग आ जाएंगे। तो ये हो गया आपके 3π/6 को 4 से गुणा किया कितने हो गए 24, 24 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 48 × 2, 3 से ये कितनी बार कट गए 16 बार, तो कितने आ गए π/32। क्लियर है, दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, इनको एक बार फिर से रिवीजन करना है, घर पे पढ़ना है, रब को मिलाना है, बार बार ट्राई करनी है। गामा फलन है किस तरह से हल करते हैं मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से यदि आपको बताऊं तो बट्टा वाला जो भी गामा है, जैसे कि मैंने लिख दिया गामा 1/2 या 3/2 लिख दिया, तो 3/2 में से 1 माइनस करते रहो, और लास्ट में जब तक रूट पाई नहीं प्राप्त हो जाता तब तक आपको एक एक माइनस करके फिर उनको गुणा करना है, और उस तरह से आपको गामा फलन का मान निकालना है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जिसमें m व n के मान सम घन पूर्णांक है, तो उस स्थिति में आपको हमेशा इस सूत्र का यूज करना है और इसको इस तरह से हल करना है, और डॉट में k का मान लिखना अनिवार्य है, इस बात का ध्यान रखना। अदरवाइज यदि सम घन पूर्णांक नहीं होने तब तो k का मान कितना होता है 1 होता है, और यदि सम घन पूर्णांक है तो उस टाइम आपको के का मान π/2 रखना है। क्लियर है भाई बात, कंप्लीट है। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको घर पे ट्राई करना है, और गामा फलन अब बस इतना ही है, आप ये देख लो, क्योंकि बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें यही है कि x मान दिया हुआ है, तो x की जगह आपको कोई सा मान मानना है और उसके बाद में इन क्वेश्चनों को हल करना है, कोई भी सूत्र है बनाना है, उसके बाद में यदि हम जो एक्स का मान वहां पे मान रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी लिमिट्स भी चेंज करनी है। क्लियर है भाई, तो आज के लिए इतना ही है, अब नेक्स्ट क्लास एक नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।